वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुरम शबीर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानिश सलीम। दोस्तों, जैसे कि हमने बांग्लादेश के चार पांच शहरों पर रिएक्शन दिया है, तो हमें और कई शहरों के लिंक मिल रहे हैं कि आप इन पर रिएक्शन जी दें। तो हम जो जो हमें लिंक मिल रहे हैं शहरों के हवाले से जानने की कोशिश कर रहे हैं, कौन कौन से शहर किस एरिए में बांग्लादेश के वाक़ हैं, बिल्कुल किस साइड पे वाक़ हैं और कितने ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। जी तो हमें एक और ऐसा लिंक मिला है कोमिला का, तो मेरे ख्याल में कोमिला ही नाम है शायद। तो देखते हैं कि इस शहर में बाकी जो खुलना शहर हो गया, चटागांग हो गया, शैलेट ढाका होकर हो गया, ढाका, शैलट हो गया, जी इनसे कितना बिल्कुल, मुख्तलिफ है, और उनमें से क्या क्या, कोई इंडस्ट्री वगैरह इस शहर में है कि नहीं रेलवे है, स्टेशन या एयरपोर्ट वगैरह है कि नहीं है, और ये ये भी कितनी इसमें बिल्डिंग्स हैं और जी, काफ़ी कितनी ज़्यादा आबादी चीज़, है हाँ इसमें। कितनी आबादी है ये भी पता चल जाएगा अगर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होगी। जी तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, फिर इस पर आपको रिव्यू देते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी डेली अपडेट वीडियो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच रहे। Kumla is the most rapidly developing city in Bangladesh. Over 5 million people live here. The corporation covers an area of over 33 square kilometers. Major religion is Muslim, Hindu and Christian. Literacy rate of over 53.30%. Kandiyopar is the heart of the city. All social and infrastructural facility like educational institute, hospital, shopping complex, fire station, amusement park, fast food, government office, bank, ATM service etc. is available for the local community. Dharmashaga is the largest pound, which is also an amusement place for the citizen. Kumla is popular for khadi cloth and dress. Rosh Malai of Kumla is very popular all over the world. You can go Kumla by road or train. It take only 2.5 hours to reach Kumla by road. तो दोस्तों, वीडियो हमने देख ली है और इसमें जो पहले जो वीडियो जहां से शुरू हुई है वहां पर तो जैसे बिल्डिंग हम नजर आ रही थी जी उनमें काफी ज्यादा, वो तकरीबन 10-15 दस जी फ्लोर से इतनी ऊपर होंगी नहीं होंगी, तकरीबन। तो इतनी होंगी ज़्यादा, इसमें हमें कोई ऊंची बिल्डिंग नज़र नहीं आई है। और वैसे इसने बताया जैसे कि काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मॉल भी है। तो दोस्तों, जैसे कि इसने एक अच्छी डिटेल दी है कि जैसे कि 5 मिलियन इसमें आबादी है, ये तो हमें तकरीबन 2-3 शहर में नहीं पता था, उन्होंने आबादी नहीं बताई। हाँ, उसमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी, कोई में दी गई थी, कई में जी नहीं दी गई थी।
तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा वो कहते हैं ना, इतनी लंबी वीडियो भी नहीं थी, काफ़ी जी छोटी वीडियो थी, और इसमें पार्स वगैरह मौजूद हैं, और वैसे भी तीन मजहब हाँ इसमें रहते हैं तीन ज़्यादा तीन मज़हब रहते हैं, जी, मुसलमान हिंदू और ईसाई। क्रिश्चियन जी बिल्कुल। तो इनके और बहुत सारी चीज़ें भी शहर में मौजूद हैं बाकी शहरों की नस्बत। हमें तो इसमें कोई एयरपोर्ट नहीं उसके उस बारे में जी बताया, रेलवे स्टेशन कोई के रेलवे बारे स्टेशन के में, बारे में नहीं बताया है। बस एक वो तो नदी थी हाँ नदी के बारे में उसने बताया है, और दूसरा वो मार्केट में घुमा रहा था जी, कि कलाथ वाली कपड़ों की मार्केट थी ये, और दूसरा मिठाइयों की भी दुकान जी पे भी वो गया है, तो उसके हवाले से भी बता रहा था। काफ़ी मशहूर मिठाइयाँ बनती हैं, या मिठाइयों की वजह से भी जी। काफ़ी मशहूर है। और ज्यादातर हमने बांग्लादेश के शहरों पर दो तीन ऐसे हम देखे हैं जो नदी के साथ ही हैं, हाँ काफ़ी, ढाका भी तकरीबन नदी में, उसमें नदी दरिया के गुजरता है जी वैसे, चटागांव भी मेरे ख्याल में साहिल के बिल्कुल, नज़दीक ही है। शैलेट भी इसी तरह हाँ है, इसी तरह फूलवा भी काफ़ी इस तरह है पानी मेरे ख्याल में ज़्यादा है नदी नाले जी दरिया वगैरह बांग्लादेश बिल्कुल में मेरे ख्याल में ज़्यादा है, तो इस वजह से हो सकता है। तो दोस्तों हमें तो वीडियो पसंद आई है काफ़ी, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वालिटी की वीडियो भी नहीं थी ये, जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी इसने ठीक ठाक बनाई है वीडियो। जैसे कि 53 लिटरेसी रेट बता रहे थे हाँ लिटरेसी रेट 53.3% जी था, बिल्कुल, तो तो ये इस भी एक ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है। आबादी के लिहाज से जिस तरह हाँ शहर की आबादी है ये भी तो उस लिहाज से ठीक ही है। तो दोस्तों हमें तो ये वीडियो काफ़ी पसंद आई है, और काफ़ी शहर ये पसंद आया। अगर इसका और मज़ीद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, अगर अच्छी एयरपोर्ट के क्वालिटी हवाले की जी से, रेलवे के बिल्कुल हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो हमें भी मालूम हो कि इस शहर में भी रेलवे भी जी, है, दूसरा एयरपोर्ट भी है। लाग तो काफी बड़ा शहर लग रहा हाँ है जाहिर सी बात है काफ़ी रकबा काफ़ी है, लेकिन वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा रकबा होता जी है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स तो इसमें जो सोसाइटी से लिया उसमें काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं। तो आबादी को कंट्रोल करने के लिए नहीं चाहिए कि वैसे अगर रेल है तो अच्छी बात है, नहीं तो मेट्रो रेल भी बना दे हाँ क्योंकि काफी ज्यादा आबादी है तो इस हवाले से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, जी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा यार। जैसे अब ढाका में आप चलने लगी है बिल्कुल तो उसमें काम चल रहा है, जी, तो बाकी शहरों में भी एक साथ में साथ हो जाएगा गवर्नमेंट मुकम्मल। देखेगी कि शहर में हाँ कितनी कितनी ज़्यादा आबादी ज़रूरत है है, जी जहाँ पे ज़रूरत होती है ज़्यादा वहाँ पर तो लाजमी है ना चलाना। बिल्कुल तो दोस्तों हमें ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी शहर पसंद आया है, जितना इसने दिखाया है उतना काफ़ी अच्छा दिखाया है, और हमें तो ये वीडियो काफ़ी पसंद आई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी डेली अपडेट वीडियो आपके पास जल्द अज जल्द पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।